Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, today we will start part 3 of chapter number 3, your trip to Bhopal. So aaj ke part mein rahenge iske next 3 pages, page number 27, 28 and 29. So jaldi se start karte hain, open your books with page number 27 and also make sure to subscribe the channel. तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि जो बच्चे हैं वो ट्रिप पे जा रहे हैं, है ना, और वो भीमबेटका पे स्टॉपेज लगाएंगे. तो आगे स्टार्ट करते हैं. सडनली द बस स्टॉप विद द जर्क. ओ द पेट्रोल पंप, टू बसेस नीड टू बी रीफिल. मतलब उनके साथ जो बसेस गई थी उसमें से जो टू बसेस हैं उसका पेट्रोल खत्म हो गया है, उसको रीफिल करना है, मतलब पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाना है. द बस स्टैंड इन अ लाइन, द बसेज स्टैंड इन अ लाइन. तो बसेज इस तरह से लाइन में खड़ी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है. चिल्ड्रन आर स्ट्रीकिंग देयर नेक्स आउट ऑफ टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस. तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, कहते हैं जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी नेक्स ऐसे बाहर निकाल ली देखने के लिए कि किस तरह से जो भैया है वो पेट्रोल बस में फिल करेंगे. सम चिल्ड्रन हैव गोट डाउन लुक मोर क्लोजली. ईच बस टेक 15 मिनट्स टू रीफिल. एक बस को कितना टाइम लग रहा है रीफिल होने में, 15 मिनट्स. हम यहाँ लिख लेंगे वन बस को टाइम लग रहा है जी 15 मिनट्स. एंड कितनी बसेज फिल करनी है, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था टू बसेज. तो टू बसेज को कितना टाइम लगेगा, टू बसेज नीड्स 15 मल्टीप्लाई 2. तो 15 का टेबल हम सबको आता है, 15 2 30. सो वी कैन से दैट दो बसेस को फिल करने के लिए उनको कितना टाइम लग जाएगा, आधा घंटा, विच मीन्स 30 मिनट. नाउ टू बसेज रिफिल, सो दे स्टॉप फॉर अबाउट 30 मिनट्स. तो कितना टाइम लगा यहाँ पे हम लिख देंगे 30, विच मीन्स दे आर लेट अबाउट डैश मिनट. तो वो कितने टाइम लेट हो जाएंगे वहाँ से, 30, क्योंकि देखो बसेस सीधा जा रही हैं, बट अभी वो आधे घंटे के लिए बस पेट्रोल पंप पे रुक गई, तो उनको वो टाइम वहाँ पे लग जाएगा. ठीक है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे कन्वर्सेशन दिखाई गई है. ही इट हैज़ अ बिग टमी, इट इज़ ऑलरेडी, इट हैज़ ऑलरेडी 100 लीटर्स. तो वो कहते हैं इस बस की तो बहुत बिग टमी है, कितने लीटर्स पेट्रोल डल गया बस में, 100 लीटर. सो वी हैव टू पे 35 रुपीज फॉर द डीजल. तो नीचे देखो रुपीज़ भी आ रहे हैं, ध्यान से देखो यहाँ दिया हुआ है 3500. तो बच्चे बोलते हैं कि हमारी जो बस है उसने 100 लीटर पेट्रोल ले लिया, वो कितने रुपीज़ का है, कितने पैसे देने पड़ेंगे उस पेट्रोल के हमें, 3500 रुपीज़. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या होता है. ये आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट सम था वो हो गया, टाइम टेकन बाय वन बस 15 मिनट्स, टाइम टेकन बाय टू बस 2 × 15 = 30 मिनट्स. तो जो बसेज है वो 30 मिनट्स के लिए लेट हो जाएंगी. अब जहाँ उन्होंने भोपाल पहुँचना है वो कितना लेट पहुँचेंगे, 30 मिनट. नाउ लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल निकालना है, ध्यान से सुनो. यहाँ हमें कुछ गिवन है, यहाँ हमें क्या गिवन है जी, दैट 100 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू रुपीज़ 3500. सो 1 लीटर का निकालना है, वी विल राइट दैट 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़. तो ये 0-0 से कट जाएंगे, इट मीन्स 1 लीटर ऑफ पेट्रोल का प्राइस क्या आ गया हमारे पास, रुपीज़ 35. सो यहाँ हम आंसर क्या लिख देंगे जी, कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल का प्राइस है हमारे पास रुपीज़ 35. एंड आप इसको नोट डाउन कैसे करोगे, प्राइस ऑफ 100 लीटर ऑफ पेट्रोल 3500, दिस इज गिवन, जो वो पिक्चर है उसमें दिया हुआ है. प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल जो हमें फाइंड करना है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू रुपीज़ 35. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसका आंसर आ जाएगा हमारा 35 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट देखो, एज बसेज आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पंप. तो जैसे बसेज फिल हो रही थी, आधा घंटा लग रहा था वहाँ पे, तो बच्चे वहाँ पे जो पेट्रोल पंप पे वॉशरूम्स होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ फ्रेश होने के लिए चले गए. नाउ हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट. तो देखो यहाँ जो वो लड़की है बता रही है, अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस टू रीफिल. जो ये लड़की है वो बता रही है, कहते जितना टाइम एक बस को फिल करने में लगा उतना ही टाइम अमन को फ्रेश होने में लगा. तो मतलब जो अमन है वो टॉयलेट में इतना ही टाइम लगा के आया. सो हमने अभी पढ़ा था एक बस को कितने मिनट्स लगते हैं, 15. सो अमन कितने मिनट्स लगा के आया टॉयलेट में, 15
minutes. Very easy. Now this was your page number 27. Let's come to the next page. इसको आप अमन वाले क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे, टाइम टेकन टू रीफिल अ बस इज 15. सो अमन लेकर आके आया है 15 मिनट्स. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 28, जिसमें बच्चे बातें कर रहे हैं टू भीम बेतकब. वो पेट्रोल पंप से आगे चल पड़े. आफ्टर द बसेज आर रीफिल्ड द जर्नी स्टार्ट्स अगेन. नाउ चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीम बेतका. जैसे कि उसकी मैम ने बताया था कि हम रास्ते में एक स्टॉपेज रखेंगे भीम बेतका. तो अंजन पूछता है दैट व्हाट इज भीम बेतका. फिर जो मिस रैना है, मतलब उनके जो टीचर है, वो बताती है इट इज अ प्लेस विद लोड्स ऑफ केव्स. केव्स होती हैं गुफा. केव पेंटिंग मतलब गुफा के अंदर पेंटिंग, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई गई है या ये वाली पेंटिंग है, ये सारी केव पेंटिंग है. ओके, देन सुमोंटो कहता है 10,000 years, मतलब 10,000 years. आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ 1,000 year बैक. तो वो बोलता है कि अच्छा इतने सारे साल 10,000 years, तो 10,000 years देखो कितना पीछे हो गया, 10,000 years बैक. सो गोपी कहती है ओह 1,000 year इज अ बिग थिंग, आई कैंट इवन थिंक ऑफ 100 year. तो वो मजाक करने लग जाते हैं, कहते मैं तो पिछले एक साल का भी नहीं सोच सकता, 100 years का भी नहीं सोच सकता, तुम 10,000 की बात कर रहे हो. फिर गोरी कहती है आई कैन थिंक ऑफ 100 year बिकॉज माई फादर्स ग्रैंड मदर इज है 100 years old. तो गौरी कहती नहीं नहीं मैं तो सोच सकती हूँ, मैं तो वहाँ का टाइम सोच सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे फादर की ग्रैंड मतलब है, मतलब उसके पापा की जो दादी माँ है वो 100 years की है, तो 100 year पहले का वो सोच सकती है. नाउ मंजीत से दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 great grandmothers old. देखो कितना एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं. वो 100 great grandmothers क्या हो गया, ग्रेट ग्रैंड मतलब दादी माँ की भी दादी माँ आ गई, पर दादी माँ. ग्रेट ग्रैंड मदर क्या होता है, पर दादी. तो कहते हैं अगर 100 करेंगे दादी की दादी, दादी की दादी, इस तरह से पीछे 100 generations में जाएंगे, तब जाके हमें पता लगेगा कि उस जनरेशन में ये केव्स बनी थी जो भीम बेतका में वो देखने के लिए जा रहे हैं. सो एवरीवन बर्स. तो ये बात सुन के, मंजीत की बात सुन के सब ऊँची ऊँची हंसने लगे. नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग्स. इट इज़ अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीम बेतका. तो 11 बज चुके हैं, अब वो भीम बेतका पहुँच गए. तो देखो वो क्या कर रहे हैं, वाओ इवन 10,000 years ago पीपल मेड सच लवली पेंटिंग्स दैट ऑन द रॉक. तो वो कहते देखो लोगों ने कितनी लवली पेंटिंग्स बनाई हैं जो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं. ओह दीज रॉक्स आर 1,000 years old. तो वो बहुत हैरान हो रहे हैं देख देख के कि इतने टाइम पहले भी लोगों ने इतनी सुंदर सुंदर जो पेंटिंग्स है वो भीम बेतका में बनाई हैं. ठीक है, नाउ शंकर से दिस पेंटिंग ऑल्सो हैव वेरी बिग बाइजंस. तो बाइजंस का ध्यान रखना, बाइजंस क्या होते हैं. हे आई गोट एन आइडिया, आई विल काउंट बाइजंस एंड यू काउंट द डीओ इन द पेंटिंग. तो वो कहते हैं मैं बाइजंस काउंट करूंगा, तुम डियर काउंट करो कितने हैं इस पेंटिंग में. बैनोमाला से आई विल काउंट पीपल, कि इस पेंटिंग में कितने पीपल बने हुए हैं, लोग बने हुए हैं. लेट अस सी विच आर मोर, बाइजंस, डियर एंड पीपल. तो बच्चे कहते हैं एक बच्चा बाइजंस काउंट करेगा इस पेंटिंग में कितने बने हुए हैं, एक बच्चा डियर काउंट करेगा एंड एक बच्चा पीपल काउंट करेगा. देखते हैं कि किसकी पेंटिंग्स ज़्यादा है. सो देखो वो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 34, 35, 36, 37. आई गोट 37 बाइजंस. 112, 13, 14. आई गोट 117 डियर्स. तो डियर्स कितने हो गए हमारे पास, 117 जो उस पेंटिंग में बच्चे ने काउंट किए. एंड बाइजंस कितने हो गए हमारे पास, बाइजन इज इक्वल टू 37. ठीक है, नाउ आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी मोर डियर आर देयर. कहते डियर बाइजन से कितने ज़्यादा हैं. सो सिंपली आपको माइनस करके बताना है कि जो डियर है वो बाइजन से कितने ज़्यादा हैं. सो माइनस करके आ गया 80, कि डियर और बाइजन का डिफरेंस कितना है 80. सो मतलब 80 पेंटिंग डियर की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाइजन. आप लिखोगे कैसे, नंबर ऑफ डियर, नंबर ऑफ बाइजन, नंबर ऑफ डियर मोर देन बाइजन, माइनस कर लिया विच इज इक्वल टू 80. सो यू विल लाइक दैट, नोट लाइक लाइक दैट देयर आर 80 मोर डियर देन बाइजन. बाइजन से 80 डियर ज़्यादा है. नेक्स्ट देखो, बट बैनोमिला इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइजन. तो बैनोमिला देखो पीपल काउंट कर रही थी, वो बहुत खुश हो गई एकदम से, क्योंकि उसने देखा कि जो पीपल की पेंटिंग्स की काउंटिंग है वो डियर एंड बाइजन दोनों से ही ज़्यादा है. हर काउंट इज लेस देन 200, बट वो 200 से थोड़ा कम है. सो हाउ मैनी पीपल मस्ट बैनोमिला हैज़ काउंटेड. तो देखो यहाँ हमने अभी देखा था कि जो बाइजन्स हैं वो हैं 117,
इससे तो उसने कहा कि थोड़े ज़्यादा हैं, बट 200 से कम है. सो 117 एंड 200. सो इट मीन्स उसने काउंट किए होंगे. देखो 214 तो हो नहीं सकते क्योंकि लेस देन 200 है ना. सो इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे. 117 प्लस 37, 7 प्लस 7 14, वेल विल यू कैरी 3, 4 एंड 5 एंड 1. सो 154 के आसपास पीपल होने चाहिए. सो इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन है या नहीं 154 की. जस्ट वेट अ मिनट. ओके हाँ ऑप्शन है. सो इट मीन्स उसने अबाउट कितने काउंट किए होंगे 154 पीपल. समझ आया? दोबारा देख लो. नहीं समझ आया तो हम पहले टोटल कर लेंगे कि कितने बाइजन हैं एंड कितने डियर हैं. ये बाइजन, ये डियर हैं और ये बाइजन हैं. टोटल कितना आ गया 154. एंड हमें जो बैनोमीटर है उसने बताया है कि पीपल लेस देन 200 है. लेस देन 200 एंड 154 के बीच में है तो वो 177 भी हो सकते हैं. सो यहाँ पे जो टिक है वो क्या लगाएंगे कि उसने पीपल कितने काउंट किए होंगे 177. ठीक है. 214 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लेस देन है. 154 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये तो दोनों का टोटल है. उसने कहा है टोटल से तो ज़्यादा है और ये टोटल से कम है, इसीलिए जो ऑप्शन बचा हमने वो टिक लगा दिया. नाउ द गाइड टेल्स देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल. सारी जितनी भी पेंटिंग्स हैं, बाइजन्स, रियर, पीपल या और भी जो पेंटिंग्स है, वो टोटल कितनी है 600. इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका. तो बच्चों ने अभी केव पेंटिंग्स देख ली, केव्स देख ली, अब वो भीमबेटका से वापिस जा रहे हैं. कहाँ पे? भोपाल. दे हैव स्पेंड 1 आवर देयर, वट टाइम इज इट? तो देखो हमने पीछे पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे देखा था कि 11 बज चुके हैं जब वो भीमबेटका पहुंचे. जस्ट वेट अ मिनट, हम उस पेज पे चलते हैं. हेयर इट इज. नाउ चिल्ड्रन आर वेरी एक्साइटेड टू सी पेंटिंग्स. इट इज अबाउट 11 o'clock एंड भीमबेटका में उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया? 1 आवर. ठीक है, 1 आवर स्पेंड किया. सो इट मीन्स हम कह सकते हैं 11 बजे वो वहाँ पहुँचे थे प्लस 1 घंटा उन्होंने वहाँ स्पेंड किया. इट मीन्स अब कितने बज चुके हैं बच्चे? 12 o'clock. 12 बज चुके हैं. ओके, नाउ दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स भोपाल. दे शुड रीच देयर लेस देन 1 आवर एट अबाउट -o'clock. अब कहते भोपाल को जाने के लिए उसको 1 घंटे से कम लगेगा. सो इट मीन्स 12 में 1 प्लस किया, इट विल बी 1 o'clock, है ना. 12 के बाद तो 1 ही बचता है. अभी 13 तो मैं यहाँ नहीं लिख सकती. 13 लिखोगे भी तो वो कितने होंगे आफ्टरनून के? 1 o'clock. सो इट मीन्स वो अबाउट 1 o'clock वहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि 12 बजे से तो वो वहाँ से चले हैं और 1 बजे तक वो भोपाल पहुँच जाएंगे. लिखोगे कैसे? इट इज़ गिवन दैट दे रीच्ड भीमबेटका एट 11 o'clock. सो 1 घंटा उन्होंने वहाँ स्पेंड किया, टोटल कितने बज गए? 12 o'clock. नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स भोपाल, और भोपाल तक का रास्ता कितना है? लेस देन 1 आवर. सो इट मीन्स अबाउट 1 बजे तक, 1 o'clock तक उनको भोपाल पहुंचना है. ठीक है, समझ आया? सिंपल सा था. सो दिस वॉज योर पेज नंबर 29 जो आज की क्लास के लिए था. इन तीनों पेजेस में आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. कल हम करेंगे इसके नेक्स्ट 2 पेजेस, पेज नंबर 30 एंड 31. आई विल सी यू सून इन दैट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय.